यूको बैंक रंगरा से दो खाताधारियों के खाते से रकम गायब। बैंक में सुनवाई नहीं होने पर पीड़ितों ने थाने में दिया आवेदन। रंगरा स्थित यूको बैंक से दो खाताधारियों के खाते से रकम गायब हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत रंगरा गोपालपुर प्रखंड क्षेत्र के डुमरिया सुकटिया बाजार निवासी उपेंद्र मंडल और श्यामानंद मंडल ने रंगरा थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है। उपेंद्र मंडल ने कहा कि उनके खाते से 56,000 रुपये गायब है, तो श्यामानंद मंडल ने कहा कि उनके खाते से इंदिरा आवास के प्रथम किस्त की रकम और जमा रुपये कुल मिलाकर 45,000 रुपये गायब है। दोनों ने जानकारी देते हुए बताया कि उन लोगों को खाते से रकम गायब होने की जानकारी तब मिली जब उन दोनों ने अपना पासबुक अपडेट कराया। दोनों ने कहा कि उन्होंने बैंक के शाखा प्रबंधक से मामले की शिकायत की, लेकिन उन लोगों की बातों को अनसुना कर दिया गया। यूको बैंक रंगरा के सहायक शाखा प्रबंधक संदीप कुमार ने कहा कि पीड़ितों को बैंक में लिखित आवेदन देना चाहिए, इसके बाद मामले की जांच की जाएगी। इधर रंगरा थाने के थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है, छानबीन शुरू कर दी गई है। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर लें आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सर्दियाँ इलाज माला पहनते हैं गैस्ट्रिक ब्लड प्रेशर गठिया पाइल्स सहित सैकड़ों बीमारी से पाए निजात। होगा सफल इलाज नहीं तो पैसे वापस। मात्र 72 घंटे में असर शुरू। कीमत मात्र 2100 रुपए। फोन कर अभी ऑर्डर करें, घर बैठे प्राप्त करें। संपर्क सूत्र 9031560165 9431884830। रंगरा पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल 40 लोगों से वसूल किया 2000 रुपये जुर्माना। रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर सघनता पूर्वक मास्क जांच अभियान चलाया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने जांच अभियान में मास्क नहीं पहने कुल 40 लोगों से 2000 रुपये वसूल किया है। थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि शुक्रवार को रंगरा चौक, कुमादपुर चौक, मंदरौनी चौक, मुरली चौक और भवानीपुर टावर चौक पर मास्क जांच अभियान चलाया गया था। रंगरा पीएचसी में 90 लोगों को दिया गया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। रंगरा पीएचसी में गुरुवार को कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को दिया गया। जानकारी देते हुए रंगरा पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि गुरुवार को कुल 100 लोगों का टीकाकरण किया जाना था, लेकिन 10 लोगों के अनुपस्थित रहने के कारण 90 लोगों का ही वैक्सीनेशन किया गया। डॉक्टर रंजन ने कहा कि सबों की स्थिति सामान्य थी। शराब तस्करी मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शराब तस्करी मामले में फरार चल रहे ज्ञानी दास टोला निवासी नंदलाल मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज की खबर में बस इतना ही। धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो GS न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।